वेलकम टू माय चैनल मामाज नुस्खे। मैं हूँ रीटा। छोटे छोटे नुस्खे मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ वो एक किचन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे चाय की छलनी। इसको कैसे साफ़ किया जाए, डिफरेंट तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं साफ़ करने की, लेकिन में जो गंदगी फंसी होती है नेट में वो रह जाती है और ये काली पड़ने लगती है। तो आज उसी को मैं एकदम साफ़ करने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे आपकी जो चाय की छलनी है या टी स्ट्रेनर है वो एकदम साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल नया सा लगने लगेगा। इसके साफ़ करने के दो तरीके मैं लेकर आई हूँ, दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी घर की चाय की छलनी को एकदम नया बना करके रखिए ताकि जर्म्स फ्री रहे और देखने में भी अच्छा लगे। अभी आपने देखा कि पानी को उबाल करके उसमें छलनी डालकर मैंने साफ़ की, एकदम क्लीन हो गई। अब मैं दूसरी तरीका बता रही हूँ कि उसको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। आइए चलिए वो भी देखते हैं। दो तरीके टी स्ट्रेनर को क्लीन करने के, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आप घर में ट्राई भी जरूर करेंगे। इसको कीजिए
मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो करना भूलिए मत, शेयर भी कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ कुछ छोटा सा नुस्खा लेकर। तब तक के लिए टेक केयर।